नमस्कार, मैं हूं शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज़। कस्बा बीबर में गणतंत्र दिवस के मौके पर विभिन्न स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें स्कूली बच्चों को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में तमाम जानकारियां दी गई। देखिए हमारे संवाददाता अरविंद दीक्षित की रिपोर्ट। कस्बा बीबर में 26 जनवरी को सुबह मालूम पड़ रहा था कि आज कोरा कोई कार्यक्रम नहीं होने देगा, पर कार्यक्रम में कोई रुकावट नहीं हुई। सुबह 9 बजे से स्कूल की रैलियां निकलना शुरू हो गईं। स्कूल के बच्चों में कार्यक्रम की शुरुआत कर दी। क्षेत्र के सभी स्कूलों में गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। क्षेत्र में स्वतंत्रता सेनानी श्री नाथुराम दीक्षित इंटर कॉलेज टोडरपुर में ध्वजारोहण प्रबंधक जयप्रकाश दीक्षित ने किया तथा छात्रों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में पंकज दीक्षित, जेपी पाठक, अनिल द्विवेदी सहित आदि लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। सर, क्या नाम है आपका? नाम संजीव एटम है। जी, नाम जी, मत पूछा करो। जी, ये कार्यक्रम कहाँ पे हो रहा है? ये शिला देवी स्मृति इंटर कॉलेज के प्रांगण में हो रहा है और बहुत संक्षिप्त कार्यक्रम रहा है ये जी। क्योंकि हम एनुअल फंक्शन 22 नवंबर को मनाया करते हैं जी। बूंदी वितरण और जी। बच्चे अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, लेकिन संक्षिप्त रूप जी। आप सर ये बताइए कि जो आप जो है युवाओं के लिए क्या संदेश भेजना चाहते हैं अपने इस, हमारे इस चैनल के माध्यम से? लड़ाई आपको फिर लड़नी पड़ेगी युवाओं को जी, क्योंकि निश्चित रूप से हमारे देश को अब फिर जरूरत है युवाओं के सहयोग की। भारत माँ को जरूरत है, क्योंकि त्याग नहीं कोई कर रहा है जी। त्याग की जरूरत है, युवाओं को बलिदान देने की जरूरत है जी जी। और ये सरदार जाफरी की दो पंक्तियां बोल के अपनी बात खत्म करता हूँ जी जी। शहीदों की तरफ से जी, हमसे बढ़कर जिंदगी को कौन कर सकता है प्यार जी। और अगर मरने पे आ जाए तो मर जाते हैं हम जी जी जी। जाग उठते हैं तो सूली पर भी नींद आती नहीं, वक्त पड़ जाए तो अंगारों पे सो जाते हैं हम। भारत माता की।